दोस्तों बात करें तो एंड्रॉइड 16 शायद आपको पहले देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूं तो एंड्रॉइड 15 अभी तक हर एक फोन में आया नहीं है, लेकिन एंड्रॉइड 16 के लीक्स यहाँ पे ऑलरेडी चालू हो गए हैं और पता चलता है कि जून 2025 में गूगल अपने एंड्रॉइड 16 को रिलीज कर सकती है। और ऐसा नहीं हो कि मैं बेटा की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे AOSP और पिक्सल डिवाइसेस के अंदर अपडेट की बात कर रहा हूँ। आमतौर पर अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर तक आता है, लेकिन यहाँ पे 2 से 3 महीने पहले ही गूगल इसको यहाँ पे पहले अनाउंस कर सकती है और लॉन्च कर सकती है। हालांकि देखा तो एंड्रॉइड 15 का रोल आउट अब शुरू हो चुका है और कुछ फोन्स को देखने को मिल रहा है अपार्ट फ्रॉम पिक्सल फोन। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी कि एंड्रॉइड 15 के अंदर इतने बड़े और मेजर चेंजेस यहां पे नहीं करें। एंड्रॉइड 14 का ही अगर 14.1 या 14.2 करके भी अगर रिलीज करते तब भी बात समझ में आती, क्योंकि एंड्रॉइड 15 के अंदर अब इतने बड़े चेंजेस यहां पे गूगल नहीं कर रहा है। और एंड्रॉइड 16 में भी देख के लगता है कि शायद इतने बड़े चेंजेस ना हो, इसलिए गूगल वाले उसको यहां पे कंपेटिटिव रखने के लिए जैसे iOS यहां पे रिलीज होता है, यहां पे एंड्रॉइड 16 के नए वर्जन को यहां पे रिलीज कर देंगे और AOSP अवेलेबल होगा पिक्सल फोन्स में आएगा। और उसके कुछ महीनों के बाद आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड्रॉइड 16 को अपने दूसरे रेगुलर फोन्स के अंदर। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने यहाँ पे नोटिस करी है कि एंड्रॉइड के अंदर जब इतने बड़े इंप्रूवमेंट नहीं हो रहे हैं तो किसी नए वर्जन के पीछे जाने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। एक सिंपल सी बात है कि एंड्रॉइड के अंदर यहाँ पर क्या रहता है कि हर साल एक माइनर रिफाइनमेंट और माइनर चेंजेस आ रहे हैं। और अगर अभी भी अगर आप पुराना एंड्रॉइड वर्जन चला रहे हो, उसे लंबे समय तक कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि नए ऐसे फीचर्स नहीं जिसके लिए अपग्रेड करना ही करना पड़े। अगली चीज ये कि जहाँ पे आपको अपग्रेड करना चाहिए वो होते हैं सॉफ्टवेयर के सिक्योरिटी पैच, क्योंकि वो आपके फोन के अंदर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि आपके फोन को मालवेयर वायरसेस इन सबसे यहाँ पे बचा सके। इस वजह से सिक्योरिटी पैचेस की इंपॉर्टेंस यहाँ पे ज्यादा बढ़ती चली गई है। लेकिन एंड्रॉइड वर्जन यहाँ पे कई सारी नई नई चीजें लेकर आता था कुछ समय पहले तक, अब आज के समय वो चीजें यहाँ पे नहीं आ रही। लेकिन देखना होगा कि एंड्रॉइड 16 के साथ ये ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू रहता है या फिर कोई बहुत ही बड़ा और मेजर अपडेट यहाँ पे लेकर आते हैं। इसके साथ ही एंड्रॉइड टीवी ओएस से भी रिलेटेड है। आपको पता है ज्यादातर स्मार्ट टीवी में एंड्रॉइड टीवी का ओएस चलता है, लेकिन यहाँ पे गूगल काम कर रही है एंड्रॉइड टीवी ओएस की मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट कम करने में और कह रही है कि 1 GB रैम भी अगर होगी किसी टीवी में उसमें हमारा नया एंड्रॉइड टीवी चलेगा। बेसिकली आज के समय में एंड्रॉइड टीवी ओएस की जो रिक्वायरमेंट है वो है 1080p टेलीविजन के लिए 1.5 GB रैम और 4K टेलीविजन के लिए 2 GB रैम। लेकिन देखने वाली बात है कि 1 GB रैम ही करेंगे तो यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसी रहेगी और एप्स का सपोर्ट यहाँ पे कैसा रहेगा, क्योंकि आज गूगल यहाँ पे टारगेट करना चाहता है बजट टीवीज को कि सस्ते से सस्ते कई सारे टीवीज के अंदर आपको ना एंड्रॉइड टीवी देखने को मिले और गूगल की प्ले सर्विसेज और प्ले स्टोर को लोग यूज करें, जिस कारण से गूगल इन द एंड यहाँ पे अपनी सर्विसेज यूट्यूब वगैरह इन सब के थ्रू काफी ज्यादा पैसा बना सकता है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी और एंड्रॉइड के अंदर जो टीवी स्टिक्स वगैरह आती है जैसे फायर टीवी स्टिक्स वगैरह आती है वो यहाँ पे उसके कंपैरिजन में कितना बेटर परफॉर्म करती है। लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो एंड्रॉइड टीवी का यूज केस है ना वो यहाँ पे काफी ज्यादा लिमिटेड है। और बात करें तो एंड्रॉइड टीवी के अंदर तो उतने चेंजेस आ भी नहीं रहे जितने आपको मोबाइल फोन के एंड्रॉइड ओएस में देखने को मिलते। इसी के साथ ही बात करें तो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग न्यूज है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, वो है नथिंग से। देखो नथिंग वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि नथिंग अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम शायद यहाँ पे डेवलप कर सकता है और इसको वो रख सकता है एंड्रॉइड और iOS के कैपेबल। हालांकि नथिंग ने ऐसा भी कुछ कंफर्म नहीं किया कि ये ओएस उनका आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे बोला है कि इस चीज के ऊपर वो कोशिश कर सकते हैं। अभी के समय में जो नॉर्मल ओएस है iOS और एंड्रॉइड इनकी काफी अच्छी तरीके से मोनोपोली है, लेकिन यहाँ पे कई सारी चीजें ऐसी जहाँ पे लग करते हैं और जैसे कि एग्जांपल है AI का, तो AI के ऊपर फोकस रखते हुए नथिंग शायद अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे क्रिएट कर सकता है, जिसके बारे में नथिंग के CEO कार्ल पे ने यहाँ पे हिंट दिया। लेकिन देखने वाली बात है कि ये जो नया ओएस अगर लोग डेवलप करते हैं तो ये मार्केट में नथिंग के फोन्स में आता है और ये किस तरीके से अलग चीजें प्रोवाइड करता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसी भी ओएस के साथ हो सकती है एप्स की, एप्स के लिए आप वहां पे सपोर्ट यहां पे कैसे लाओगे। अगर आप APK का सपोर्ट रखोगे तो घुमा फिरा के आप AOSP जो रहता है वो एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट आप उसका यहां पे यूज कर रहे हो, तो यार वो भी चीज होगी यहां पर देखने वाली नथिंग के साथ। इसके साथ ही अगली न्यूज है यहां पे स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ, जिसके अंदर क्लेम किया जा रहा है कि ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम हो रही है। हाल ही में 2 फोन्स यहाँ पे लॉन्च हुए, शाओमी 15 और रियलमी GT7 Pro। रियलमी GT7 Pro का लॉन्च अभी कुछ ही दिनों के अंदर इंडिया के अंदर भी होने वाला है, लेकिन एक रिपोर्ट से पता चलता है कि एक्सट्रीम गेमिंग और एक्सट्रीम बेंचमार्किंग के अंदर ये फोन जरूरत से ज्यादा यहाँ पे गर्म हो रहा है और इतना गर्म इसे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि जो नए ओरायन कोर्स है या जो एफिशिएंट कोर्स ना रख के जो क्वालकॉम ने काम किया इसकी जवाबदारी हो सकती है। लेकिन एक सिंपल चीज मैंने देखी कि हो सकता है कि इनिशियल फर्मवेयर के इश्यूज हो सकते हैं जो अभी चाइनीज रोम के साथ देखने को मिले। कहने का मतलब है कि जो चाइनीज रोम है वो शाओमी 15 और GT7 Pro में आ रही है और ग्लोबल रोम जब के साथ आएंगे तब हो सकता है इश्यूज फिक्स हो जाए। और एक और प्रॉब्लम हो सकती है कि फोन को जल्दीबाजी में बनाने के चक्कर के अंदर इन्होंने कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या फिर सॉफ्टवेयर की ट्यूनिंग अच्छे से नहीं करी है जिस कारण से प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि अभी भी इसका जो पूरा ब्लेम है स्नैपड्रैगन 8 एलीट को नहीं दे सकते जब तक इसके और फोन्स मार्केट में ना आ जाए। मार्केट में मैं 3 फोन्स का इंतजार कर रहा हूं, उनके साथ अगर रिपोर्ट सही रही तो समझ जाना कि स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ प्रॉब्लम नहीं है, इन ब्रांड्स के साथ प्रॉब्लम है। जैसे की बात करें iQOO 13,
सैमसंग का S25 अल्ट्रा और OnePlus 13, ये तीनों फोन यहाँ पे डिसाइड करेंगे और उन्हीं की परफॉर्मेंस से पता चलेगा कि यहाँ पे ओवरहीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है और थर्मल मैनेजमेंट यहाँ पे कैसा है। लेकिन देख के ऐसा इनिशियल रिपोर्ट से लग रहा है कि ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम यहाँ पे लग रहा है मोबाइल फोन प्रोसेसर्स में वापस आ रही है। अब ये मोबाइल फोन ब्रांड्स का इशू है कि यहाँ पे वो प्रॉपर टेस्टिंग या सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से डेवलप नहीं कर रहे हैं, या फिर क्वालकॉम का इशू है जिन्होंने यहाँ पे कुछ नई चीजें करने के चक्कर में ओवरहीटिंग को यहाँ पे लेकर आ गया। अब इसी के साथ ही यहाँ पे बात आती है BSNL की। BSNL में बात करें तो यहाँ पे BSNL के 5G रोल आउट से रिलेटेड न्यूज ये है कि दिल्ली के अंदर 1876 साइट से उनके लिए 5G के टेंडर्स को निकाला गया, जिसका मतलब आप समझ सकते हैं कि BSNL 5G पे काम कर रहा है और दिल्ली पहली ऐसी सिटी बनेगी जहां पर ये लोग 5G को डिप्लॉय करेंगे और वहां पे 5G को लेकर आएंगे। और अभी से इन्होंने टेंडर वगैरह निकालना शुरू कर दिया और कई सारी चीजें लोग कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि कुछ ही महीनों का इंतजार आपको करना है और उसके बाद यहाँ पर दिल्ली के अंदर आपको 5G के दर्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 5G आपका BSNL की तरफ से कब देखने को मिलता है, लेकिन हाँ, ये अगर मैं कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट अगर BSNL करते रहे, अपने नेटवर्क को सुधारती रहे, तो हाँ, मार्केट में एक बहुत बड़ा प्लेयर यहाँ पे बन सकता है। और इसी के साथ ही आप लोगों से बात करना चाहता हूँ एक ऐसी हार्श रियलिटी जो आज के समय में हर एक स्मार्टफोन ब्रांड के साथ हो रही है, और वो है ODM की, यानी कि ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर। ये वो लोग होते हैं जो एग्जैक्टली में मोबाइल फोन को मैन्युफैक्चर करते हैं और किसी दूसरी कंपनी को देते हैं ताकि वो अपना लोगो लगा के मार्केट में बेची जा सके। माइक्रोमैक्स जैसी कंपनी ने चाइनीज ODM का सहारा लिया था, जहां पे चाइनीज कंपनीज के मोबाइल फोन को उठाते थे, अपना लोगो लगाते थे, मार्केट में बेचते थे, जिस कारण से माइक्रोमैक्स तेजी से इंडिया में पॉपुलर हो गई थी। लेकिन उसके बाद जब चाइनीज कंपनीज खुद मार्केट के अंदर आ गई, तब माइक्रोमैक्स का यहाँ पे पत्ता कट गया था। लेकिन आज के समय में बात करें 2024 में, तो हर एक कंपनी एक्सेप्ट एप्पल ODM का साला रहती है। ODM के अंदर यहाँ पे मोटरोला कंपनी के 90% फोन वो खुद डिजाइन नहीं करते, वो किसी थर्ड पार्टी से बनवाते हैं, जिस कारण से कई बार उनके अंदर इश्यूज या अपडेट के अंदर डिले आता है और वो ODM प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन जो फ्लैगशिप 10% फोन होते हैं, जो एज सीरीज होते हैं, उन्हें मोटरोला खुद बनाता है। इवन यहाँ पे कई सारे रियलमी के फोन भी है, शॉमी के फोन भी है, यहाँ तक कि सैमसंग के जितने भी बजट फोन है एफ सीरीज और एम सीरीज के, सबके अंदर ODM का सहारा लिया जा रहा है। ये एक सरप्राइजिंग चीज रहती है, जिसके अंदर ये पता चलता है कि काफी सारी कंपनी बजट फोन से साथ अपने फ्लैगशिप और प्रीमियम पे फोकस कर रही है और बजट फोन मिड रेंज फोन ज्यादा जल्दी से जल्दी ज्यादा क्वांटिटी में निकाल सके, इसलिए यहाँ पे ODM का सहारा लिया जा रहा है, जिसके अंदर उन्हें ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, एक सेट गाइडलाइन देनी पड़ती कि हमें इस टाइप का फोन चाहिए, ODM उन्हें वैसा फोन बना कर दे देता और वैसा फोन लेके वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये एक सिंपल सी चीज यहाँ पे चल रही है और देखा तो उसमें कोई गलत चीज भी नहीं है, क्योंकि कंपनी के अंदर पर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर आ रहा है, उन्हें इनोवेशन भी करने, ज्यादा फोन लॉन्चेस भी करनी है, लिमिटेड पीपल है, इसलिए यहाँ पे सहारा लिया जा रहा है। इवन बात करें तो लावा जैसी कंपनी भी आज के समय में ODM का सहारा यहाँ पे ले रही है, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज देखने वाली। हालांकि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ पे कि ये जो कंपनीज है, अगर अपने प्रीमियम प्रोडक्ट के साथ साथ बजट फोन्स पर भी थोड़ा फोकस करें, कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स दें, इसके साथ ही सॉफ्टवेयर अपडेट के ऊपर काम करें, लोग अच्छे एक्सपीरियंस दें, और हाँ, आफ्टर सेल्स सर्विस पर भी अगर अच्छे तरीके से ध्यान दें तो एक अच्छी चीज होगी। तो हाँ दोस्तों, यार ये भी ट्रुथ है यहाँ पे स्मार्टफोन कंपनीज का यहाँ पे। बाकी आज के इस पॉडकास्ट के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूँ अपने अगले पॉडकास्ट के अंदर। गुड बाय।